उनके ऊपर महाराष्ट्र में आरोप लगे तो बागेश्वर जी अपना बिस्तर बांध के रात में क्यों भागे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने साधा बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना, कहा बाबा चमत्कारी तो कराएं प्रदेश का कर्जा माफ। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि अगर बागेश्वर बाबा इतने ही चमत्कारी हैं तो वे प्रदेश का कर्जा माफ क्यों नहीं कर देते हैं। बाबा प्रदेश का कर्जा कागजों में माफ करा दें जिससे प्रदेश का विकास हो सके। बता दें कि बागेश्वर महाराज को लेकर इस समय देश में काफी बवाल है। बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री पर इन दिनों MP के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह लगातार हमलावर हैं। जहां भी जा रहे हैं बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री पर बयानबाजी जरूर कर रहे हैं। लहार तहसील में आयोजित एक कार्यक्रम में भी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधते हुए कहा, अगर बागेश्वर बाबा इतने ही चमत्कारी बाबा हैं तो प्रदेश का कर्जा माफ क्यों नहीं कर देते। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने आगे कहा कि बाबा प्रदेश का कर्जा कागजों में माफ करा दें जिससे प्रदेश का विकास हो सके। उन्होंने कहा कि कोई भी अपनी झोली भरने के लिए और निजी स्वार्थ के लिए काम करता है उसे मैं चमत्कारी नहीं मानता हूं, यह तो जनता को गुमराह करना है। डॉक्टर गोविंद ने नागपुर वाले मामले को उठाते हुए कहा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री इतनी ही चमत्कारी हैं तो वह नागपुर से 3 टप्पल लेकर क्यों भागे। बाबा श्राप दे देते हैं और वहीं भस्म कर देते। इससे साथ ही उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री से पहले सनातन धर्म वाले तो हम हैं, कक्षा 5वीं से सभी मंत्रों का जाप करना है, तब धीरेन्द्र शास्त्री पैदा भी नहीं हुए थे। उनके ऊपर महाराष्ट्र में आरोप लगे तो बागेश्वर जी अपना बिस्तर बांध के रात में क्यों भागे। मैं उनसे चाहूंगा कि अगर आपके सच्चाई है तो आपको प्रामाणिकता के आधार पर भागने का जवाब दें। और वास्तव में जो आपने तांत्रिक ऐसी एक प्रथा के प्रचार कर रखा है उसको प्रमाणित करें। जी हमारा